बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है जी आप सबका? इंशाल्लाह ठीक होंगे, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी मैं वापस आई हूँ कैफेटेरिया से। यहाँ पे मेरे जो कंबल धोए थे, कंबल सीरीज़ मेरी जो चल रही थी धोने की, तो वो फाइनली जो अच्छी तरह से ड्राई हो गए हैं। इनको दो धूप मैंने लगवा दी, दो दिन की धूप। तो अभी इनको ना फोल्ड करके मैं अंदर अलमारी में रख दूँगी। रखना तो इनको मैंने पेटी में जिसमें बिस्तरे होते हैं, लेकिन उसको उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई थी ऊपर थी, तो मैंने कहा चलो फ़िलहाल इधर अलमारी में रख देते हैं, गंदे होने से तो बच जाएंगे, मतलब डस्ट तो नहीं पड़ेगी। तो इसके ना सेंटर में मैंने एक रॉड लगवाया हुआ था जहाँ पे स्वेटर वगैरह या कोट लटकाने के लिए ना, तो वो फ़िलहाल मैंने उतार दिया है। और यहाँ पे सारे जितने भी ब्लैंकेट हैं वो रख दूँगी, और सर्दियों के कपड़े भी मैंने इधर ही रखे हुए हैं तो इनके ऊपर ही रख दूँगी। तो ये जो कबर्ड है ना, ये साइड जो है अलमारी की, ये बिल्कुल भी नहीं खुलती दिन में, क्योंकि इसमें सर्दियों के कपड़े पड़े हुए हैं और ये जो कंबल हैं हमारे अब ये रख दिए हैं, तो डस्ट भी नहीं जाएगी क्योंकि मैंने इसको अच्छे से कवर कर दिया है। अच्छा, मैं यही काम कर रही थी कि मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई ना कि ये जो सीढ़ी है ना हमारी, इन पे ग्रिल हमारी रहती थी। हमारा जब मकान तैयार हुआ था 2 साल पहले, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे छोटे छोटे काम थे जो रह गए थे, ज़ाहिर है पैसों की कमी की वजह से। तो अभी हम ना वो साथ साथ छोटे छोटे जो जितने भी काम रहते थे वो करवा रहे थे, तो सीढ़ियों की जो ग्रिल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, तो इसलिए फिर हमने कहा चलो अभी लगवा लेते हैं। तो वो आ गए थे काम करने वाले जो थे, वो हम अंदर से इनको देख रहे थे, मेरे हस्बैंड साथ साथ बता रहे थे ना कि कैसे करनी है सेटिंग, कैसे नहीं करनी। तो यहाँ पे मैं भी इनके साथ ही बैठी हुई थी, हम अपनी भी गपशप लगा रहे थे और साथ साथ ना इनको भी बता रहे थे। और हेल्पर जो थी मेरी, वो घर का जो जितने भी थे काम वो कर रही थी। काली सी बिल्ली बन के दिखाएं, काली सी बिल्ली बन के दिखाएं। तो बस ऐसे ही हम, मैं तंग कर रही थी अपने हस्बैंड को, ऐसे ही चुप करके बैठे हुए थे, तो मैंने कहा चलो इनको थोड़ा सा ना हंसाती हूँ। अच्छा, बाहर रश था, काम कर रहे थे आदमी, बाहर भी नहीं जा सकते थे, और काम घर का जो सफाई थी वो भी हेल्पर ने कर दी थी। तो मैंने कहा चलो मैं ना कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर के बाद बच्चे भी आ जाएंगे, तो शाम के खाने के लिए ना कुछ स्नैक्स वगैरह बना लेती हूँ। तो मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी कि मैं इंडियन डिश ट्राई करूँगी ना, ढोकला जिसको कहते हैं, मैं अक्सर देखती थी, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने फैमिली से कहा काफ़ी दफ़ा कि मैं बनाती हूँ आप लोग खाना, तो कहते नहीं नहीं पता नहीं कैसा होगा, बेसन का टेस्ट आएगा। तो आज मैंने कहा मैं आज ना बनाऊँगी ज़रूर, जैसा भी हुआ आप खा लेना, अच्छा ही होगा, ज़ाहिर है इतना फेमस है इंडिया में। तो फाइनली मैं वो बना रही हूँ ढोकला। उसके लिए मैंने 1.5 कप बेसन लिया है, उसमें नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डाला है, और थोड़ा सा डाला है मैंने बेकिंग सोडा, और उसको अच्छे से ना मिक्स कर लूँगी। जैसे हम आलू के पकोड़े बनाते हैं ना, बैटर बनाते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही रखना है आपने इसको, रनी सा बैटर बनाना है। अच्छा, इसमें मैंने ना थोड़ा सा प्याज डाला है, बिल्कुल सेम, मुझे नहीं पता कि मैं रेसिपी फॉलो कर रही हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं साथ साथ देख के बना नहीं रही थी, मैंने एक दफ़ा ही देखा था, तो बस मुझे जितना भी याद था ना, तो उस तरह मैं बना रही थी। पैन भी ग्रीस करके मैंने रख लिया था जो केक वाला था, और इसमें मैं डाल रही हूँ इनो, 1 साशे डाल रही हूँ। इनो डालने के बाद ना फ़ौरन मिक्स करके उसको पैन में डाल के ना, तो उसको स्टीम करने के लिए रखना होता है, मतलब लास्ट मोमेंट में इनको मिक्स करना होता है। तो बस वही मैं जल्दी से कर रही थी पैन में डाल के, अभी इसको मैंने पानी डाल के
पैन कढ़ाई के अंदर ना रखा हुआ था, और उसके अंदर ना एक स्टैंड रखा हुआ था मेरे केक का था, लेकिन उसमें फिट नहीं आया। मैंने निकाल के एक छोटा सा बाउल रख के उसके ऊपर रख दिया था। वो जब मैं निकालूंगी तो आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने स्टीम किया, थोड़ा सा पानी डाल के। अच्छा यहाँ पे देखें, हालांकि ये सुबह हेल्पर जो थी मेरी वो सफाई करके गई थी, लेकिन स्टिल देखें कितना ज़्यादा गंद बन गया, और काफ़ी ज़्यादा काम भी ग्रिल का हो गया था। रेलिंग, जो सीढ़ियों की रेलिंग थी उसका मतलब हाफ़ जो है ना वो काम डन हो गया था। अच्छा ढोकला बनाने के साथ, वो तो ज़ाहिर है पता नहीं था मुझे खाएंगे बच्चे नहीं खाएंगे, तो मैंने कहा साथ ना गोलगप्पे भी बना लेते हैं। ये हमने रात को भी बनाए थे तो सब ने बहुत शौक से खाए थे। तो कुछ चीज़ें बड़ी पड़ी हुई थी, बची हुई, जैसे चाट जो हमने बनाई थी इसके अंदर फिल करने के लिए, और मीठी चटनी बनाई थी। तो मैंने कहा चलो फटाफट से ना गोलगप्पे बना लेते हैं। उसके लिए मैंने लिया था 1 कप सूजी और 2 चम्मच मैदा, सिर्फ 2 चम्मच मैदा 1 कप सूजी में, छोटे 2 चम्मच। ज़्यादा मैदा डालेंगे ना वो सॉफ्ट हो जाएंगे, और थोड़ा सा नमक डालना चाहें तो, नहीं तो आप नमक स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा इसको गर्म पानी से गूंदना है, अच्छा थोड़ा गर्म पानी होना चाहिए, और अच्छी सी इसकी डो बना के ना आपने रख देनी है। 10 से 15 मिनट के लिए ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये सूजी से बन रहा है तो इसको सेट होने में ना इतना टाइम लग जाता है उसका दाना ख़त्म होने में सूजी का। तो इसको कवर करके मैं एक साइड पे रख दूँगी, और इतनी देर में हमारा जो ढोकला था वो भी स्टीम हो गया था अच्छे से। बहुत यहाँ तक तो बहुत ही अच्छा था, बना बहुत अच्छा था और पसंद भी आया है, मतलब 50-50 रिस्पॉन्स था। बच्चों को इतना ख़ास पसंद नहीं आया, मुझे और मेरे हस्बैंड को पसंद आया था तो हमने खा लिया था। इवन कि मेरी हेल्पर को बहुत पसंद आया, उसने खाया, कहती है बाजू बहुत मज़े का है। तो इंशाल्लाह मैं फिर भी बनाऊँगी। अच्छा उसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया, उनका चलो जितनी देर में ठंडा होता है तो हम यहाँ पर ना जो हमने डो बनाई थी उसके गोल गप्पे बना लेते हैं। उसको मैं काट लूँगी कटर से ताकि फिर उसको ना फ्राई कर सकूँ। अच्छा इस टाइम तक ना हमारा जो एसी था वो साफ़ करने के लिए, वो भी काफ़ी दिनों से हम बुला रहे थे वर्कर को कि आके अच्छे से ना साफ़ कर लें, तो वो भी आज ही आए थे। मतलब जिस दिन भी कोई एक काम शुरू करो ना तो उस दिन सारे काम खुल जाते हैं। कमरे में भी 2 आदमी लगे हुए थे एसी साफ़ कर रहे थे, और जो ग्रिल बन रही थी यहाँ पर 3 आदमी थे साथ, इनको भी चाय पानी दे रही थी। और बहुत ज़्यादा शोर था घर में, और मत पूछें कि क्या हाल हुआ था, हाशिर का तो मत ही पूछे, क्योंकि वो पानी दे दे के इनको, कभी एक को पानी देता था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, अंदर वाले को पानी दे के आता था ठंडा, तो बाहर वाले कहते थे अब हमें ला के दो, इनको दे के आता था, अंदर वाले मांग रहे थे कहते हमें ला के दो। ले जो ये ग्लास में डाल के पियो, करो। अच्छा मुझे बहुत खुशी हुई थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम गोलगप्पे बनाए थे और फर्स्ट टाइम ही मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। इसकी ट्रिक ये है कि आपने पतला, जब वो बेलने हैं ना बहुत पतली बेलनी है, जितनी पतला होगा ना वो रोटी पतली होगी उतना अच्छा गोलगप्पा बनेगा। दूसरी बात इसकी ये है कि बिल्कुल गर्म से, पीक पे गर्म होता है ना जो ऑयल, उस पर आपने डालना है, और डालते साथ आप उसको छोड़ दीजिएगा, जब ऊपर ऑयल के आएगा तो उसको हल्के से चम्मच से आप टच करेंगे तो वो फूलना शुरू हो जाएगा। और मैदा बहुत ज़्यादा नहीं डालना, गर्म पानी से गूंदना है। ये टिप आप फॉलो करेंगे ना तो आपका गोलगप्पा बहुत ही फूलेगा और क्रिस्पी भी होगा, खाने में मज़ा आएगा। ये देखिए मैं सारे गोलगप्पे रेडी हो गए थे, तो इसके बाद ना हम ढोकला का कटिंग कर लेते हैं, और उसके बाद इसके ऊपर जो भुगार लगाते हैं वो लगाएंगे। अच्छा इस पे जो भुगार लगता है उस पे सरसों डालते हैं, मेरे पास सरसों नहीं थी तो मैंने थोड़ा सा ना इसको चेंज करके, मतलब ज़ीरा डाला है, प्याज डाला है, और सब्ज़ मिर्च तो खैर मैंने देखा है कि इंडियंस भी डालते हैं सब्ज़ मिर्च, और वो कड़ी पत्ता ज़्यादा डालते हैं। मेरे पास फ़िलहाल कड़ी पत्ता ग्रीन वाला नहीं था, सूखा वाला था, लेकिन वो मैंने नहीं डाला। अच्छा बना बहुत अच्छा था, सॉफ्ट स्पॉन्च बहुत अच्छा इसका बना था, जैसे केक होता है, बस इसमें चीनी डली होती तो मतलब शायद ये केक की तरह इसका थोड़ा सा टेस्ट आता। लेकिन अच्छा यहाँ पे मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि हम इसको बेसन में डिप करके दोबारा से अगर ये फ्राई करें ना तो वो भी इसका अच्छा एक टेस्ट बन जाएगा। यहाँ पे मैं इसका भगार तैयार कर रही थी। सबसे पहले मैंने थोड़े से ऑयल में ज़ीरा डाला था, वो जब क्रेकल हो गया था तो फिर उसमें ग्रीन चिली डाल दी थी लंबी लंबी काट के। प्याज मैंने डाला था, मुझे नहीं पता कि वो लोग इंडियंस डालते हैं या नहीं डालते, लेकिन मैंने डाला था ज़रा
थोड़ा सा ना इसका क्रंच आ जाए उसमें, खाने में अच्छा लगेगा। और एक कप पानी डाल दिया था, फिर उसमें 3 चम्मच छोटे चम्मच थे तो मैंने चीनी के डाल दिए, क्योंकि ये तीखा और मीठा होता है इसका टेस्ट। बस ये हल्का सा बॉयल आया तो फिर मैंने इसको उतार दिया, और इसी पैन के अंदर कट लगा के ना, तो इसमें मैंने ये सारा जितना भी मैंने तैयार किया था इसका पानी वाला भगार वो लगा दिया। जब ये अच्छे से पानी को अब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर हम इसको ना निकाल के प्लेट में रख लेंगे। इसको ना मैंने इमली की चटनी और ग्रीन वाली चटनी के साथ सर्व किया था, बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट था, बहुत ही मुझे अच्छा लगा। और ये मेरी फर्स्ट इंडियन डिश थी जो मैंने ट्राई की। असल में गोलगप्पा जो है वो भी इंडियन डिश है, लेकिन वो पाकिस्तान में भी उतनी ही फेमस है गोलगप्पा के नाम से, इंडिया में पानीपुरी के नाम से है। इंडिया की जो और फेमस डिशेज़ हैं इंशाल्लाह ताला मैं वो भी ट्राई करूँगी, जैसा कि डोसा वगैरह, और भी देखूंगी, अभी तो मुझे नाम भी याद नहीं आ रहे, तो इंशाल्लाह आपके साथ भी शेयर करूंगी। जो बनाए थे गोलगप्पे रात को मैंने ज़्यादा बना ली थी, तो इसीलिए इसकी सहूलत हो गई थी मुझे, दोबारा से चने वगैरह बॉयल नहीं करने पड़े। मेरे पास ब्लैक चने थे, अगर आप चाहें तो वाइट चने का भी बना सकते हैं। आलू प्याज और चने और चाट मसाला मैंने डाल दिया था, और ये इतने मज़े की थी, इसको ऐसे ही दिल कर रहा था खा लें। अच्छा, जो इमली का पानी होता है, खट्टा पानी जिसको कहते हैं, अक्सर लोग इमली का पानी बनाते हैं, लेकिन मेरे पास ना ये एक चाट मसाला टाइप कोई चीज़ थी, चाट मसाला ही कह सकते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ था चाट मसाला, सुलेमान चाट मसाला इसको, इसके रैपर के ऊपर लिखा होता है। ये डाल के मैंने ठंडा पानी डाला, और सेम वही टेस्ट था जो हम गोलगप्पा बाहर से लेते हैं ना, उसके साथ जो खट्टा पानी मिलता है, सेम वही चीज़ थी। अगर इसके अंदर आप चाहें तो वो बेसन की जो फुलकियाँ होती हैं, बूंदी जिसको कहते हैं, वो भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छी लगती हैं। अच्छा, गोलगप्पे की सारी चीज़ें रेडी हो गई थी, तो मैंने ढोकला भी निकाल लिया था, और थोड़े से ना मैं सेट करके रख दूँगी, बल्कि सारे ही करूँगी, क्योंकि रात को भी ना वो सब अपना अपना लगे हुए थे, डाल रहे थे, तो काफ़ी वो मैस बन गया था। तो मैंने कहा चलो मैं सब के गोलगप्पे सेट कर देती हूँ, पानी जो है वो बाउल में डाल के साथ दे दूँगी, फिर सहूलत हो जाएगी। वैसे भी हाशिर कहते हैं मामा खाने का मज़ा ख़राब हो जाता है, बनाने में इतनी देर लग जाती है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं खुद सेट करके आप सबको दे देती हूँ। कि जब पानी आप बना के रखेंगे इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा, जो मसाला था वो नीचे बैठ जाएगा, ऊपर ऊपर से आप पानी खट्टा डाल दें तो बहुत ही अच्छा अमेजिंग लगता है। यहाँ पे हमारी जो ट्रे थी वो रेडी हो गई थी, बेटियाँ भी मेरी आ गई थी, हाशिर भी आ गया था, तो हमने यहाँ बैठ के खाया, इंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया, सबको बहुत पसंद आया, दोनों चीज़ें बहुत पसंद आईं। तो इंशाल्लाह फिर कभी भी बनाएंगे, मतलब गोलगप्पा बनाना इतना ईजी है मुझे नहीं पता था। अगर आपके पास चने बॉयल हुए हैं, मतलब हुए पहले पड़े हुए हैं, जिस दिन आप चने बना रहे हैं थोड़े से चने निकाल लें, बाकी चीज़ें बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। मीठी चटनी भी आप पहले बना के रख लें, ये तो दो चीज़ें आप बना के रख लें ना, तो बाकी चीज़ें आप आधे घंटे का काम है। और यहाँ पे देखिए हमारी जो रेलिंग थी सीढ़ियों की वो भी लग गई है, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी। हमारी जो सीढ़ियों का ये बहुत बड़ा मसला था वो हल हो गया, क्योंकि हमारी जो सीढ़ियाँ थी वो थोड़ी सी तंग भी हैं और थोड़ी सी ना ऐसी सीधी हैं, क्योंकि जगह की कमी की वजह से, तो डेंजरस थी काफ़ी, मतलब सबको लगती थी, हमें तो नहीं लगती थी, तो इसलिए हमने लगा ली। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।